इस वीडियो में है क्लास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्क्स दो स्क्वेयर है इनके एरिया का सम यानी कि ऐड करने पर मिलता है इसके अलावा इन दोनों स्क्वेयर के पेरीमीटर का डिफरेंस तौरें। दिया गया है ट्वेंटी मीटर हमें फाइंड करनी है इन दोनों स्क्वे की साइड सॉल्यूशन so, स्टार्ट होता है यहां से जो भी हमें फाइंड करना है उसी को लेट कर लेंगे हमें साइड्स फाइंड करनी है तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर लेट कर लेते हैं फर्स्ट स्क्वेयर की साइड होगी गाइज एक्स मीटर बिल्कुल इसी तरह से एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वेयर सेकंड स्क्र की साइड होगी गाइज वाई मीटर दो स्क्वेयर हैं फर्स्ट की साइड हो गई एक्स मीटर सेकेंड की हो गई वाई मीटर अब इन स्क्वेयर से रिलेटेड दो चीजें हैं एरिया और पेरीमीटर इनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वेयर के एरिए का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वेयर अगर साइड एक्स है तो एरिया हो जाएगा गाइज एक्स स्क्वे बिल्कुल इसी तरह से अगर साइड वाई है तो एरिया हो जाएगा वाई स्क्वेयर इसके बाद स्क्वेयर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है फोर मल्टीप्लाई में साइड अगर साइड एक्स है तो पेरीमीटर हो जाएगा गाइज फोर एक्स और अगर साइड वाई है तो पेरीमीटर हो जाएगा गाइज फोर वाई एरिया और पेरीमीटर के बाद आते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन में कंडीशन दी है पेरीमीटर का डिफरेंस ट्वेंटी फोर मीटर है सपोज कर लीजिए फर्स्ट वाला स्क्वे बड़ा है बड़े स्क्र की साइड बड़ी होगी और पेरीमीटर भी ज्यादा होगा अगर फर्स्ट वाले स्कूर के पेरीमीटर सेकेंड वाले स्क्वेयर के पेरीमीटर को माइनस करें तो डिफरेंस आएगा फिर ट्वेंटी फोर मीटर सो यहाँ पर मैं इक्वेशन बनाता हूँ फोर एक्स माइनस में फोर वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा ट्वेंटी फोर मीटर यह सिंपल सी कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई है पेरीमीटर का डिफरेंस ट्वेंटी फोर इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली यहां पर भी फोर यहां पर भी फोर फोर को हम कॉमन ले सकते हैं फोर कॉमन लेने पर आएगा हमारा एक्स माइनस में वाई और इक्वल्स टू में ट्वेंटी फोर एज इट इज सिंपली फोर यहाँ पर एक्स माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में यहां पर आएगा हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में ट्वेंटी फोर एज इट इज और फोर ये वाला डिवाइड में आ जाएगा ट्वेंटी फोर के फोर से यहाँ पर ट्वेंटी फोर को कैंसिल करेंगे सिक्स टाइम्स पर सो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में सिक्स जो भी हमारी ये इक्वेशन आई है यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा x के साथ में जो भी हो उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देना सो यहाँ पर आएगा हमारा x इक्वल्स टू में सिक्स एज इट इज x के साथ y माइनस में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का y। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसके बाद क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन दी गई है उस पर आते हैं सेकंड कंडीशन में दिया है दोनों एरिया एरिए एड करने पर फोर पर 468 मिलता है सो फर्स्ट स्क्वेयर का एरिया एक्स स्क्वेयर का एरिया वाई स्क्वायर। अगर इन दोनों को एड करेंगे तो हो जाएगा फोर के इक्वल सो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर ये इक्वल हो जाएगा गाइज 468 के अब सिंपली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने x की वैल्यू सिक्स प्लस वाई फाइंड की है इस x की वैल्यू को इस x की जगह पर पुट कर देंगे सो so, इस x की जगह पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं सिक्स प्लस में y x का स्क्वेयर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वेयर इसके बाद प्लस का वाई स्क्र ये आ जाएगा एज इट इज और इक्वल्स टू में एट आगे सोल्व करेंगे तो इस वाले पार्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर जो होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा गाइस का स्क्वेयर प्लस में वाई का स्क्वेयर इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज टू मल्टीप्लाई में सिक्स मल्टीप्लाई में वाई इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे ये वाला वाई स्क्वेयर आ जाएगा वाई स्क्वायर के बाद इक्वल्स का साइन और फोर सिक्सटी एट आ जाएगा फॉर्मूले को रब कर देता हूँ या आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वेयर यहाँ पर भी वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज टू वाई स्क्वेयर इसके बाद आएगी वाई वाली टर्म यहाँ पर है गाइज़ टू मल्टीप्लाई में सिक्स टू को सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व और इनके साथ ये वाला वाई एज इट इज आ जाएगा वाई स्क्र वाले टर्म्स को हमने सोल्व कर लिया वाई वाली टर्म्स को सोल्व कर लिया बचा यहाँ पर सिक्स का स्क्वेयर सिक्स का स्क्वेयर होता है गाइज थर्टी सिक्स और दूसरी साइड में जो फोर सिक्सटी एट है इसको इसी साइड में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर ये यह प्लस में है इस साइड शिफ्ट करने पर हो जाएगा माइनस में फोर सिक्सटी एट और इक्वल्स टू में लगा देंगे जीरो अब फाइनली हमें इक्वेशन मिलती है टू वाई स्क्वेयर प्लस में ट्वेल्व वाई इसके बाद यहाँ पर है गाइज थर्टी सिक्स माइनस में फोर सिक्सटी एट छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है तो यहां पर आएगा माइनस का साइन और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है फोर थर्टी टू और इक्वल्स टू में जीरो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर ये आ गई हमारी इक्वेशन इक्वेशन में आप देख सकते हो यहां पर टू टेल्व और फोर थर्टी टू ये कॉमन टेबल टू से डिविजिबल हैं तो इक्वेशन से टू कॉमन ले लेते हैं टू कॉमन लेने पर हमारी इक्वेशन आएगी गहेज वाई स्क्वेर प्लस में ट्वेल्व वाई में से टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा सिक्स वाई माइनस साइन एज इट इज फोर थर्टी टू में से टू कॉमन लेंगे यानी फोर थर्टी टू को टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा गहेज टू वन सिक्स और इक्वल्स टू में जीरो अब सिंपली टू यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा जीरो से डिवाइड में तो यहाँ पर आएगा हमारा वाई स्क्वेयर प्लस में सिक्स वाई माइनस में टू वन सिक्स और इक्वल्स टू में जीरो जीरो के डिनोमिनेटर में टू आएगा वो जीरो ही होगा सो यहाँ पर आ जाएगा जीरो अब ये इक्वेशन जो हमारी आई है इसको फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट कुछ भी नहीं है तो होता है वन वन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्स्टेंट टर्म से टू वन सिक्स से टू वन सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करने पर टू वन सिक्स ही आएगा इसके फैक्टर कर देता हूँ जल्दी से आपके लिए ये आ गए टू हंड्रेड सिक्सटीन के फैक्टर्स अब इन फैक्टर्स से हमें टू हंड्रेड सिक्सटीन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर सिक्स आए सो सिंपली टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ट्वेल्व बची हुई यहां पर क्या है टू थ्री और थ्री इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स हो जाएगा सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एटीन हो जाएगा टू हंड्रेड सिक्सटीन के हमें दो फैक्टर मिल गए गए एटीन और ट्वेल्व अगर एटीन में से ट्वेल्व को माइनस करें तो हमें मिल जाता है सिक्स यानी हमारी जो ये मिडल टर्म है इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे एटीन माइनस ट्वेल्व की फॉर्म में सो so इक्वेशन को सोल्व करते हैं फर्स्ट टर्म हमारी वाई स्क्वेयर एज इट इज आएगी प्लस का साइन लगाएंगे जो हमारा ये सिक्स वाई है इसको हम इस फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा गाइज एटीन वाई माइनस में ट्वेल्व वाई इसके बाद हमारी कॉन्स्टेंट टर्म टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस का टू हंड्रेड सिक्सटीन और इक्वल्स टू में जीरो अब सिंपली स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे यहाँ पर वाई और यहाँ पर भी वाई तो वाई कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वेयेर में से वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा गाइज वाई इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे एटीन वाई में से वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा एटीन ब्रैकेट क्लोज करेंगे आगे वाली जो दो टर्म है इनमें से भी कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस तो माइनस साइन कॉमन ले लिया ट्वेल्व के टेबल में ट्वेल्व भी आता है और टू हंड्रेड सिक्सटीन भी ट्वेल्व से डिविजिबल है तो ट्वेल्व कॉमन ले लेते हैं बचेगा क्या ट्वेल्व कॉमन लेने पर माइनस ट्वेल्व कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा गाइज वाई इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये वाला माइनस तो हम कॉमन ले चुके हैं 216 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू में ज़ीरो अब सिंपली y प्लस एटीन यहाँ पर भी y प्लस एटीन तो ये आ जाएगा गाइज कॉमन y प्लस में एटीन इसके बाद जो हमारी ये वाली वैल्यू है y और माइनस ट्वेल्व ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में इकट्ठा वाई माइनस में ट्वेल्व इक्वल्स टू में जीरो अब सिंपली ब्रैकेट हटा के इक्वल्स में ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ आएगा y प्लस में एटीन इक्वल्स टू में ज़ीरो कोमा लगा के वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू में ज़ीरो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आएगी सिंपली y एज इट इज इक्वल्स का साइन लगाएंगे प्लस में एटीन है दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा गाइज माइनस में एटीन इसके बाद यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे y यहाँ पर एज इट इज इक्वल्स का साइन लगाएंगे माइनस ट्वेल्व को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का ट्वेल्व y की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं माइनस एटीन और ट ये जो रफ वर्क किया है इसको रब कर देता हूँ पीछे वाले पेज पर हमने वाई को लेट किया था सेकेंड की साइड को सो so, साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है तो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे सेकेंड स्क्वेयर की जो साइड है वो आ जाएगी हमारी ट्वेल्व फर्स्ट स्क्वेयर की लेट की थी हमने एक्स एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उस इक्वेशन में वाई की वैल्यू ट्वेल्व पुट करेंगे सो फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले यहां पर लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन थी गाइस हमारी x इक्वल्स टू में सिक्स प्लस में वाई इस इक्वेशन में y की जगह पर हम y की वैल्यू ट्वेल्व पुट कर देंगे सो so यहाँ पर हमारा x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में सिक्स आ जाएगा प्लस में y y की जगह पर ट्वेल्व पुट कर देता हूँ ये आ गया हमारा ट्वेल्व x की वैल्यू क्या आएगी सिक्स प्लस ट्वेल्व यह आ जाएगी गाइज एटीन हमारे जो दो स्क्वेर थे क्वेश्चन में उनमें से फर्स्ट वाले की साइड आ गई एटीन और सेकेंड वाले की साइड आ गई ट्वेल्व सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर इज एटीन मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वेयर इज ट्वेल्व मीटर फर्स्ट स्क्वेयर की साइड हो गई एटीन मीटर जिसको हमने पीछे वाले पेज पर एक्स लेट किया था और सेकेंड वाले स्क्वेयर की साइड हो जाएगी ट्वेल्व मीटर जिसको हमने पीछे वाले पेज पर वाई लेट किया था सो so यही हो जाएगा गाइज़ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर